हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद दीदीमन। बच्चों, मैं अरुण सिंह आपको ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूं और काफ़ी अच्छे से हमने ज्योग्राफी को कंप्लीट किया था। और लेकिन आपका जो रेस्पॉन्स पिछले पेपर में था वो बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगा। मैं चाहता हूं कि आप उसको थोड़ा सा और हार्ड वर्क करें। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा के दिया जा रहा है तो आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं। आपके सेम क्वेश्चन, कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं दिया गया था, मात्र दो चैप्टर आपको दिए गए थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे नंबर किसी के मुझे नहीं दिखाई दिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस बार आप प्रिपरेशन अच्छे से कर कर आए होंगे और इस बार आप अच्छे से आंसर देंगे। दूसरी चीज, मैंने कुछ क्वेश्चंस में ये भी फील किया कि स्टार्टिंग में जो दो या तीन बच्चे स्टार्टिंग में जो दे देते हैं आंसर, उसी को फर्दर जो बच्चे हैं वो रिपीट कर रहे हैं। एक तरीके से आप अपने साथ ही ऑनेस्टी नहीं दिखा रहे हैं, आप अपने काम के प्रति ऑनेस्टी नहीं दिखाएंगे, आपको लाइफ ऑनेस्टी आपके साथ नहीं दिखा पाएगी। ठीक है, आपको सफल होना है, आपको सक्सेस होना है, तो ये जरूरी है कि आप अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहें, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है आपके सामने, अणुशक्ति खनिज के उदाहरण नहीं है। अणुशक्ति खनिज के उदाहरण नहीं है, कौन से नहीं है? डालोमाइट, थोरियम, यूरेनियम या फिर इल्मेनाइट। अणुशक्ति के उदाहरण नहीं है डालोमाइट, थोरियम, यूरेनियम, इल्मेनाइट, कौन सा नहीं है इसमें? जल्दी से बताइए। तो आप सभी बच्चों ने लगा लिया होगा, गुड। तो इसका आंसर क्या है? डालोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में तांबा नगरी किस जिले में स्थित है? राजस्थान की जो तांबा नगरी है वो किस जिले में स्थित है? झुंझुनू, अलवर, भीलवाड़ा या फिर कोटा। राजस्थान की जो तांबा नगरी कहा जाता है जिस जिले को, वो किस में है? झुंझुनू, अलवर, भीलवाड़ा या कोटा। इसका आंसर तो आप सभी को निश्चित रूप से पता होगा क्योंकि ये काफी फेमस है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है झुंझुनू। राजस्थान में जो तांबा नगरी है वो झुंझुनू में है। क्या है? खेती, जो कॉपर प्रोजेक्ट है वो झुंझुनू के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में इल्मेनाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जो इल्मेनाइट भंडार है वो किस राज्य में एक्चुअल में पाए जाते हैं? बिहार में, केरल में, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर चूज करना है इसमें से। भारत में इल्मेनाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? बिहार में, केरल में या फिर दोनों के अंदर ही पाए जाते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। एग्जाम में हमें जितना टाइम मिलता है मैं उससे काफी ज्यादा समय दे रहा हूँ क्योंकि 30 सेकंड से ज्यादा टाइम हमें किसी भी कंडीशन में नहीं लगना चाहिए और इस टाइप के क्वेश्चन पे मात्र 15-20 सेकंड ही लगनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर क्या है? केरल में। ठीक है, इल्मेनाइट जो है वो केरल की बालू में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लौह खनिज के उदाहरण नहीं है। लौह खनिज के उदाहरण कौन से नहीं है? पाइराइट, टंगस्टन, क्रोमाइट या फिर बॉक्साइट। यह आपको बहुत अच्छे से पता होगा, लौह खनिज के उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें? पाइराइट, टंगस्टन, क्रोमाइट या बॉक्साइट। कोशिश करिए 30 सेकंड से पहले पहले आप आपके आंसर दे सकें क्योंकि इसमें आपको पढ़ना भी है, इसमें ऑप्शंस भी आपको प्रॉपरली देखने हैं और क्वेश्चन को विशेष तौर पर ढंग से पढ़ना है। नहीं, जैसे शब्दों का हम अगर ध्यान नहीं रख पाते तो अक्सर हम गलती कर बैठते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आपने सबने लगा लिया होगा, इसका आंसर है बॉक्साइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? परमाणु ऊर्जा आयोग जो है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947 में, 1948 में, 1951 में या फिर 1919 में। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1947 में की गई थी, 1948 में की गई थी, 1951 में या फिर 1919 में। फटाफट से आंसर दीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है और चीटिंग नहीं करनी है, हमें अपने काम के साथ ऑनेस्टी दिखानी है। ऑनेस्टली अपने जवाब दीजिए, यहाँ पर ज्यादा नंबर मिलने का अर्थ ये नहीं कि आप कहीं पार हो जाएंगे, तो अपने जवाब में, अपने आंसर्स को ऑनेस्टी दिखाइए और वही जवाब दीजिए जो आपको आता है। ठीक है,
क्या होगा इसका आंसर? 1948, 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से महाराष्ट्र में स्थित कोयला भंडार क्षेत्र नहीं है। महाराष्ट्र में स्थित जो कोयला भंडार क्षेत्र है उनमें से कौन सा नहीं है? कर्लापल्ली, नागपुर, चवतपाल या फिर चंद्रपुर। निम्न में से महाराष्ट्र में स्थित कोयला भंडार क्षेत्र नहीं है, कर्लापल्ली, नागपुर, चवतपाल या चंद्रपुर। तो इसका आंसर क्या है? इसके आंसर मुझे पता है कि ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है क्योंकि डेटा से कंसर्निंग है, तो कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप बताइए, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कर्लापल्ली, ठीक है। जो नागपुर, चवतपाल और चंद्रपुर हैं, ये तीनों क्या है? कोयला भंडार क्षेत्र है महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिटुमिनस में कोयले की कितनी मात्रा पाई जाती है? बिटुमिनस में कोयले की कितनी मात्रा पाई जाती है? इसका ऑप्शन है 80 से 90%, 35 से 50%, 75 से 80% या फिर 15 से 35%। आपको सही आंसर लगाना है, बिटुमिनस में कोयले की कितनी मात्रा पाई जाती है। देखिए, जब कोयले की ओर्स की बात होती है, कोयला के खनिज की बात होती है, तो जो ये चार टाइप होते हैं इसके, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे कंसर्निंग क्वेश्चंस काफी बार आते हैं। तो बिटुमिनस में कोयले की कितनी मात्रा पाई जाती है, आप इसका ऑप्शन लगा चुके होंगे, इसका आंसर सभी बच्चों ने लगा लिया होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 75 से 80% जो होता है कोयले बिटुमिनस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजस्थान में किस जिले को सीमेंट नगरी कहा जाता है? राजस्थान में किस जिले को सीमेंट नगरी कहा जाता है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके ऑप्शन है जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा। राजस्थान में किस जिले को सीमेंट नगरी कहा जाता है? जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा। फटाफट से इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर बहुत जल्दी आना चाहिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस पे क्लिक करने के लिए कहा था, फटाफट से बताइए। आपने सभी ने लगा लिया होगा, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चित्तौड़गढ़। इसका आंसर क्या है? चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किन मूल कारणों से गुजरात में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है? कौन कौन से मूल कारण है? सस्ते श्रमिक होना, कांडला बंदरगाह का सामीप्य होना यानी वो पास है, दूसरा समुद्री सीपियों की उपलब्धता या फिर उपरोक्त सभी। इसमें से कौन सा कारण है जो सीमेंट उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी है? तो आपने पढ़ा भी है ये क्वेश्चन और ये काफी इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से सभी बच्चे इसका सही आंसर देंगे। गुजरात में सीमेंट उद्योग के विकास का मूल कारण क्या है? सस्ते श्रमिक, कांडला बंदरगाह का सामीप्य, समुद्री सीपियों की उपलब्धता या फिर उपरोक्त सभी। आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सीमेंट उद्योग गुजरात में पनपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में तीसरा सबसे बड़ा अभ्रक भंडार वाला राज्य कौन सा है? भारत में तीसरा सबसे बड़ा अभ्रक भंडार वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। तीसरा सबसे बड़ा अभ्रक भंडार वाला राज्य, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। कुछ जो खनिज ऐसे हैं जो केवल जिनका विशेष तौर पर, जैसे गैलेना हो गया, वोल्स्टोनाइट हो गया, अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया, ये क्या राजस्थान के मैटर में काफी इंपॉर्टेंट है, तो इससे कंसर्निंग जो क्वेश्चंस हैं वो काफी मात्रा में आते हैं, तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है जल्दी से लगाइए। तो इसका आंसर है झारखंड। भारत में जो तीसरा सबसे बड़ा अभ्रक भंडार वाला राज्य है वो कौन सा है? झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अधात्विक खनिज के उदाहरण नहीं है। अधात्विक खनिज के उदाहरण कौन से नहीं है? जिप्सम, अभ्रक, मैग्नीशियम या फिर डालोमाइट। इनमें से कौन सा ऐसा खनिज है जो अधात्विक नहीं है?
फटाफट से इसका आंसर लगाइए। इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है, ऑप्शन है जो अधात्विक खनिज का एग्जाम्पल नहीं है? कौन सा है? ऑप्शन थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए। तो आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, तो चलिए इसका आंसर क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो अधात्विक खनिज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कोयम्बटूर, कोलकाता, अहमदाबाद या फिर मुंबई। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? पहले क्वेश्चन समझिए, पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन के बाद आप ऑप्शन देखने से पहले एक बार मेमोराइज किए कि आपका वास्तविक आंसर क्या है, उसके बाद ऑप्शंस को प्रॉपरली देखिए कि कहीं कुछ गफलत तो नहीं है, उसके बाद ही अपने आंसर पे टिक कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मुंबई। सूती वस्त्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है? लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन है कायंत्री चट्टाने, आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने और उपरोक्त सभी। यानी लौह अयस्क सभी से प्राप्त होता है, या फिर कायंत्री चट्टानों से, या आग्नेय चट्टानों से, या फिर अवसादी चट्टानों से। तो चट्टानों के बारे में आपने थोड़ा सा भी अगर पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है। तो जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दीजिए। ज्योग्राफी में एक कमाल की बात यह है कि हम इसमें कॉमन सेंस का भी यूज कर सकते हैं, बशर्ते अगर आपको मैप की और छोटी छोटी चीजों की जानकारी है। और आपको आंसर नहीं भी आता है तो भी आप आंसर दे सकते हैं, बशर्ते आपकी नॉलेज ठीक हो, आपके पास कॉमन सेंस के साथ भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप सभी ने लगा लिया होगा, इसका आंसर है आग्नेय चट्टानी। ठीक है, लोअर किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है? आग्नेय चट्टानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निर्माण सामग्री व ईंधन खनिज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत भाग है? निर्माण सामग्री व ईंधन खनिज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत भाग है? 3.4%, 11%, 5.6% या फिर इनमें से कोई नहीं। निर्माण सामग्री व ईंधन खनिज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत भाग है? 3.4%, 11%, 5.6% या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर फटाफट से लगाइए। तो आप सभी ने इसका आंसर लगा लिया होगा, इसका आंसर क्या है? 3.4%। मैं इस क्वेश्चन में एक बात और कहना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, मान लीजिए फोर्थ ऑप्शन है वो आपको दे दिया 8.6% या 8.5%, और 3.1%, 3.4% ना होकर ये होता 3.1%। अब आप कहेंगे इनमें से तो कोई भी आंसर सही नहीं होगा, अगर ये ऊपर वाला 3.1 हो गया, 11 हो गया, 5.6% हो गया, और नीचे वाला 8.4 या समथिंग कुछ हो गया, तो इसमें से कोई भी, तब आपको क्या करना है, जो आपका राइट आंसर है यानी 3.4, उसके सबसे नियरेस्ट जो आपका परसेंटेज होगा उस पर आपको क्लिक करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयर में आते हैं, लेकिन अगर आपको सही आंसर पता है तो आप उसके नियरेस्ट जो पॉसिबल परसेंटेज है या फिर नियरेस्ट जो डाटा है उस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अभ्रक संबंधित सही तथ्य नहीं है। अभ्रक संबंधित सही तथ्य नहीं है, चमकीला है ये, निम्न गलनांक किसका होता है? कुचालक होता है ये, और परतदार होता है। तो अभ्रक संबंधित सही तथ्य नहीं है। अभ्रक कैसा होता है? चमकीला होता है। निम्न गलनांक किसका होता है? कुचालक होता है या परतदार होता है। इसमें से कौन सा जो तथ्य है वो सही नहीं है अभ्रक के बारे में, वो आपको बताना है इसमें। तो आप सभी ने लगा लिया होगा, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है निम्न गलनांक किसका जो है प्रॉपर्टी नहीं है,
क्यों? क्योंकि अभ्रक जो होता है उसका बहुत उच्च गलनांक होता है, चमकीला होता है, कुचालक भी होता है और ये परतदार भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राजस्थान में जो दक्कन कोटड़ा व झामर कोटड़ा नाम की जो जगह है उदयपुर में, वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन है आपके पास जिप्सम, कोयला, रॉक फॉस्फेट या फिर अभ्रक। राजस्थान में जो दक्कन कोटड़ा और झामर कोटड़ा है, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज क्षेत्र से संबंधित है, किसके कौन सा खनिज यहाँ पे पाया जाता है वो बताएं। जिप्सम, कोयला, रॉक फॉस्फेट या अभ्रक। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा निश्चित रूप से, तो फटाफट से लगाइए। बिल्कुल, इसका आंसर क्या है? रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट जो है वो दक्कन कोटरा और झामर कोटरा जो जगह है वहां पर रॉक फॉस्फेट खनिज बहुत मात्रा में पाया जाता है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लौह अयस्क के खनन का कार्य प्रारंभ हुआ था? झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक या फिर असम। सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लौह अयस्क खनन का कार्य प्रारंभ हुआ था? झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक या फिर असम। इसका आंसर दीजिए फटाफट से। तो इसका आंसर क्या है, आपने लगा लिया होगा? इसका आंसर है झारखंड। सर्वप्रथम जो भारत में लौह अयस्क का खनन प्रारंभ हुआ था वो झारखंड के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। केयर्न इंडिया द्वारा तेल के 91 कुएं खोदे गए हैं। ये कहाँ खोदे गए हैं? जैसलमेर ब्लॉक में, बीकानेर या गंगानगर ब्लॉक में, बीकानेर नागौर ब्लॉक में या फिर सांचौर गुड़ामलानी ब्लॉक में। केयर्न इंडिया द्वारा जो तेल के कुएं खोदे गए हैं 91 में, वो कौन से ब्लॉक में खोदे गए हैं? जैसलमेर ब्लॉक में, बीकानेर गंगानगर ब्लॉक में, बीकानेर नागौर ब्लॉक में या फिर सांचौर गुड़ामलानी ब्लॉक में। तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या है, फटाफट से लगाइए ईमानदारी के साथ। तो आपने सभी ने लगा लिया होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है? सांचौर गुड़ामलानी ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सीमेंट उद्योग का प्रारंभ राजस्थान में माना जाता है। ऑप्शन है आपके पास लाखेरी, निम्बाहेड़ा, सतना या फिर पोरबंदी। सीमेंट उद्योग जो था राजस्थान में, उसका जो प्रारंभ माना जाता है, कहां से प्रारंभ माना जाता है? लाखेरी से, निम्बाहेड़ा से, सतना से या पोरबंदी से। तो इसका आंसर फटाफट से लगाइए। इसका आंसर क्या होगा, आपने लगा लिया होगा? तो इसका आंसर सही ऑप्शन है आपके पास लाखेरी। सीमेंट उद्योग का जो प्रारंभ हुआ था वो राजस्थान में लाखेरी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य है। भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, राजस्थान है या फिर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में जो भारत में सर्वाधिक जो तिलहन उत्पादन होता है वो कौन से राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में। जल्दी से इसका आंसर लगाइए। उम्मीद करता हूं कि आप काफी अच्छे से तैयारी करके आए होंगे और मुझे निराश भी नहीं करेंगे। फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राजस्थान। भारत में जो सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? इलाहाबाद को, कोलकाता को, अहमदाबाद को या फिर पुणे को। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? इलाहाबाद को, कोलकाता को, अहमदाबाद को या फिर पुणे को। तो आपको इसका आंसर निश्चित रूप से आता होगा, आप फटाफट से बताइए।
ये इस टाइप के नंबर होते हैं एग्जाम्स में। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फ्री के नंबर होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन फ्री के नंबरों को आप सभी लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अहमदाबाद। ठीक है, पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजस्थान में मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना कहाँ स्थित है? राजस्थान में मैग्नीशियम सल्फेट का जो कारखाना है वो कहाँ स्थित है? तो राजनगर, मकराना, पचपदरा या फिर डिडवाना। राजनगर, मकराना, पचपदरा या फिर डिडवाना, फटाफट से लगाइए आंसर। राजस्थान में मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना कहाँ स्थित है? राजनगर, मकराना, पचपदरा, डिडवाना। आप सभी ने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है पचपदरा। ठीक है, राजस्थान में मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना कहाँ स्थित है? पचपदरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजस्थान में रंगाई छपाई व बंधेज का कार्य कहाँ किया जाता है? कहाँ पर किया जाता है? बाड़मेर में, पाली में, सांगानेर में या फिर उपरोक्त सभी। राजस्थान में रंगाई छपाई का और बंधेज का काम मुख्य तौर पर जिन क्षेत्रों में किया जाता है वो कौन सा है? बाड़मेर है, पाली है, सांगानेर है या ये सभी, उपरोक्त सभी इसका आंसर ऑप्शन है। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा फटाफट से बताइए। इन चैप्टर्स में बहुत सारे डेटा हैं और उनको याद करने में वक्त भी लगता है, इसी वजह से मैंने इस टेस्ट में काफी टाइम दिया था। लेकिन नेक्स्ट टेस्ट में आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिएगा और बताइएगा फटाफट। तो इसका आंसर आपने लगा लिया होगा। इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, बाड़मेर, पाली और सांगानेर तीनों में रंगाई छपाई और बंदेज के कार्य के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिस्को इस्पात उद्योग कहाँ पर स्थित है? टिस्को इस्पात उद्योग कहाँ पर स्थित है? राउरकेला में, भिलाई के अंदर, जमशेदपुर में या फिर बर्नपुर में। टिस्को इस्पात उद्योग कहाँ पर स्थित है? राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर या फिर बर्नपुर। ये सभी राउल जो इस्पात उद्योग से संबंधित है, और आपने अक्सर जब ट्रेन वगैरह में सफर करते हैं तो आपने इनका नाम पढ़ा होगा, तो आपको इसका आंसर आता होगा निश्चित रूप से। ये काफी इजी क्वेश्चन है, तो फटाफट से इसका आंसर लगाइए। उम्मीद करता हूं आप सबने लगा लिया होगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जमशेदपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के कुल सीमेंट उत्पाद का कितना प्रतिशत राजस्थान से प्राप्त होता है? भारत का जो कुल टोटल जो सीमेंट उत्पाद है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान से प्राप्त होता है? 12%, 23%, 8% या फिर 16%। कौन सा सही ऑप्शन है फटाफट से आंसर लगाइए। भारत के कुल सीमेंट उत्पाद का कितना प्रतिशत राजस्थान से प्राप्त होता है? 12%, 23%, 8% या फिर 16%। आंसर देने में टाइम मत लगाइए, कोशिश कीजिए थोड़ी सी अपनी स्पीड को इंक्रीज करिए, पुराने बच्चों की चीटिंग नहीं करिए, अपने क्वेश्चंस के आंसर देने में ऑनेस्टी दिखाइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 16%। भारत के कुल सीमेंट उत्पाद का 16% राजस्थान राज्य से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देश का अखबारी कागज का कारखाना कहाँ स्थित है? देश का अखबारी कागज का कारखाना कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में, नेपानगर में, पीपरी में या फिर पंतनगर में। देश का अखबारी कागज का कारखाना कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में, नेपानगर में, पीपरी में या फिर पंतनगर में। फटाफट से इसका आंसर बताइए।
ये आंसर आपने लगा लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है नेपानगर। देश का जो अखबारी कागज का कारखाना है वो कहां पर है? वो नेपानगर में मुख्य तौर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक लौह खनिज भंडार किस राज्य में स्थित है? भारत में सर्वाधिक लौह खनिज भंडार किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या फिर महाराष्ट्र में? तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए। ओके, तो इसका आंसर क्या है? देखिए, तो इसका आंसर है आपके पास उड़ीसा। भारत में जो सर्वाधिक लौह खनिज भंडार वाला जो राज्य है वो कौन सा है? उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली भारतीय कागज की मिल कब स्थापित की गई? 1875 में, 1879 में, 1919 में या फिर 1905 में? भारत की पहली भारतीय कागज की मिल कब स्थापित की गई थी? फटाफट से बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से लगाइए आंसर। तो इसका आंसर क्या है? 1879 में, 1879 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाना स्थित है। राजस्थान में जो सफेद सीमेंट का कारखाना है वो कहाँ स्थित है? गौटन नागौर में, खारिया खंगार जोधपुर में, उपरोक्त दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं? राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? फटाफट से बताइए। आपने अगर प्रिपरेशन की है, आपके पास अगर पीडीएफ है या फिर कोई भी वीडियो मटेरियल आप देख रहे हैं, तो अगर आपकी प्रिपरेशन से या आपने आरबीएससी की बुक से स्टडी की है, तो निश्चित रूप से आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, क्योंकि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो टोटली आरबीएससी बेस्ड है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों। गौटन नागौर और खारिया खंगार जोधपुर, ये दोनों की दोनों क्या है? सफेद सीमेंट के कारखाने के लिए स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक रोजगार परक उद्योग कौन सा है? भारत में सर्वाधिक रोजगार परक उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, लौह उद्योग या फिर कागज उद्योग? भारत में सर्वाधिक रोजगार परक उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, लौह उद्योग या फिर कागज उद्योग? तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग जो है सर्वाधिक रोजगार परक उद्योग माना जाता है। तो बच्चों, इसी के साथ आपका ये टेस्ट होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ आप सभी के अच्छे नंबर आएंगे। तो आप टोटली सभी लोग कमेंट में इस चीज को बताइए कि आप सभी के कितने मार्क्स आए, और ऑनेस्टी के साथ प्लीज, क्योंकि ऑनेस्टली ईमानदारी से अगर आप चीजें बताएंगे वो आपके लिए भी अच्छी होगी और हम भी उसी तरीके से काम कर सकेंगे। हमें भी उतना ही प्रोत्साहन मिल पाएगा कि बच्चे मेहनत करते हैं, हम लोग उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन वो तभी है जब आप ऑनेस्टी के साथ आप अपना काम करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू।